हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर की जो महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत का एक ऐसा शहर भी है जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदुओं से काफी ज्यादा है। दोस्तों, ये शहर गिरना और मौसम नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत शहर मालेगांव के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मालेगांव के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं मालेगांव शहर के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य में स्थित मालेगांव शहर, यहाँ की कैपिटल मुंबई से 270 किलोमीटर और भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से 1080 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 6,48,000 के आसपास है, जिस वजह से ये शहर महाराष्ट्र का 20वां और भारत का 100वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 100 लड़कों पर 94 लड़कियाँ हैं। इस शहर के ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 78% लोग इस्लाम, 18% लोग हिंदू, 2% लोग बुद्धिज्म और 2% लोग अन्य धर्म को फॉलो करते हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इस शहर का लिटरेसी रेट 87% है, यानी यहाँ के 87% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। दोस्तों, इस शहर की गाड़ियों पर आपको MH41 नाम की नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर MH41 है। अगर एरिया की बात की जाए तो ये शहर 33 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिस वजह से ये शहर महाराष्ट्र का 18वां सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर के ज्यादातर लोग आम बोलचाल में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 78% लोग उर्दू, 18% लोग मराठी और 2% लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। अगर मालेगांव शहर में घूमने की जगहों की बात की जाए तो इस लिस्ट में मालेगांव फोर्ट, गरगोटी मिनरल म्यूजियम आदि जगह शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है मालेगांव शहर हैंडलूम इंडस्ट्री यानी हथकरघा उद्योग का भी घर रह चुका है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।